నిర్మల్ జిల్లా బైంసాలో మాజీ ఎంపీటీసీ సురేఖ ప్రకాష్ రాథోడ్ మరియు పలువురు కార్యకర్తలు బీఎస్పీలో చేరడం జరిగింది. మరియు అందరికి నా నమస్కారం. అతను ఆయన చేరి భారీ విమైన మా రామ రామ్ జయ శ్రీరామ్. అతను పత్రికా సమీ ప్రకాశ్ రాథోడ్ సురేఖ భారీ ప్రకాశ్ రాథోడ్ ఆయన కేంద్రం పూర్తిగా చేరే బహుజన సమాజ్ పార్టీ हमारे साथ में चुनी दस बताएंगे तो की मतम तेलंगाना अन्य राज्य पार्टी प्रजल बोलने मुझे కాంగ్రెస్ గానీ టీఆర్ఎస్ గానీ మనం పట్టించుకున్న పార్టీ మహాత్మ పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అనేక మాటలు వచ్చిన టీఆర్ఎస్ పార్టీ పార్టీ అందరికీ తెలుసు మోసం మోసిన కాంగ్రెస్ కోసం वंशी जाति समाज पिछड़ी जाति का समाज बड़े पैमाने पर है और आज तक जब से देश आजाद हुआ है आदिवासी समाज के व्यक्ति को किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है. पहली बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी यहाँ आदिवासी समाज की महिला को चुनाव मैदान में उतार रही है और हमें पूरा भरोसा है कि ये मुदौल सीट तेलंगाना में पहले नंबर की सीट होगी और सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगी. और मेरा ये भी कहना है कि तेलंगाना के अंदर बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ी ताकत के रूप में होकर के उभरी है और बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना में बैलेंस ऑफ पावर के रूप में होकर के उभरेगी और हमें पूरा भरोसा है क्योंकि इस बार बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर जैसा कि हमारी नेता बहन मायावती जी सर्व समाज को साथ में लेकर चल रही हैं और सर्व समाज के साथ साथ जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग हैं माइनॉरिटी के लोग हैं वो बड़ी तादाद में बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता मान चुके हैं. आज पूरे देश के अंदर बहन मायावती जी की एक अपनी पहचान होगी और बहन मायावती जी का कद पूरे देश में बड़े पैमाने पर बढ़ा है और मैं दावे से कह रहा हूँ
कि पूरे देश के सर्व समाज के लोगों के बल पर, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति माइनॉरिटी के समाज के बल पर, और जो साउथ फुले अम्बेडकर की विचारधारा से प्रभावित होकर के बहन कुमारी मायावती जी के साथ लगे हैं पूरे देश में, तो हमें पूरा भरोसा है कि 2019 के चुनाव में भी बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री जरूर बनेंगी। तो इस बार तेलंगाना के अंदर सर्व समाज के अंदर जोश है बहन कुमारी मायावती जी के प्रति, बीएसपी के प्रति, क्योंकि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पूरे देश के अंदर जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति के समाज के लोगों के ऊपर जो जुल्म जास्ती होती है, तो हमारी नेता पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर पुरजोर आवाज उठाती है। दूसरा उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार बनी है आदरणीय बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में, और जो हमने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है वो लोग तेलंगाना में भी देखना चाहते हैं कि बीएसपी के माध्यम से तेलंगाना के अंदर लोगों का भला हो, क्योंकि तेलंगाना के अंदर लोगों को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर मान्यवर वीर सिंह जी, बाबू सिंह यूपी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष मालिया जी, और हमारे भाई सूर्य का ताई प्रकाश राठौर जी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए, सभी के तरफ से उनको हार्दिक अभिनंदन। अभिनंदन शान पर मरने वालों की कभी शान नहीं जाती, शान पर मरने वालों की कभी शान नहीं जाती, वतन पर जान दो कभी जान नहीं जाती, हो कभी हान नहीं जाती, गर्व से जय जी कहो जान नहीं जाती, अरे सत्ता के लिए जातिवाद लोगों ने यानी बहुजनों के ऊपर अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। हेलो भाई मायावती के नेतृत्व में आज भाई मायावती का पैगाम लेके वीर सिंह साहब ने पैसा शेर में आगमन हुए। हेलो और मायावती के रूप में हमारे पूरे का ताई प्रकाश राठौर सामने आ रहे हैं, हमारे विद्यार्थी है जो बराबर चलना है, अरे धान चलानी है तो राणा प्रताप जी से पूछो, अरे तलवार चलानी है तो छत्रपति शिवाजी से, तो भगत सिंह से पूछो, अरे राज चलानी है तो अम्बेडकर से पूछो, कांग्रेस चलानी है तो मायावती से, चलो मायावती से कांग्रेस से अपन जाना चाहिए। मुस्लिम साहब ने यहाँ तक आए वैसे क्या अंदाज, हमारे साहब दिल्ली से आ चुके हैं, यहाँ पर माहौल अपना ताकत बताना है, आगे चल के अपनी शक्ति प्रदर्शन करना है, अरे ऑफर क्या है 2,30,000 यहाँ का वोटर है उसमें 75,000 बहुजन है, बहुजन ऐसे मंत्री का है, अरे दलित को धोखा दे के अपन राज चलाते हैं तो दलित की ताकत भी हम चंद्रे हमारे लोगों को बहुत सारे वादे किए हैं वो वादे निभाने न सके, इसलिए हमारा आज महल मायावती का नेतृत्व सब किया है, हमारे लोगों को